हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका और आप सभी का स्वागत करती हूँ राधिका पैरिस ब्लॉग वीडियो पर। तो फ्रेंड, अभी बज रहे थे सुबह के 7 और ये निकल रहे हैं अपना ड्यूटी। तो ये कर लिए थे नाश्ता और मेरा ना सुबह का काम लगभग में हो चुका है, झाड़ू पोछा और बाकी के थोड़े मोड़े काम वो भी हो चुका है फ्रेंड्स। तो ये निकल रहे थे ना, तो सोचे मतलब जाएंगे उसके बाद ही बाकी का काम है वो कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए निकल रहे हैं अपना ड्यूटी के लिए और बहुत जल्दी आज निकल रहे हैं क्योंकि इनका आज पेशेंट का फ़ोन आने लगा था जल्दी में, तो ये निकल गए हैं अपना ड्यूटी। और मौसम कुछ इस तरह सुबह का फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, इनके जाने के बाद हम यहाँ पे कपड़े लेके आ गए थे धोने के लिए। बाकी का मेरा काम तो सब ख़त्म हो गया था, झाड़ू लगा लिए थे, पोछा भी मेरा ख़त्म हो गया, बाहर हम धो लिए थे और इधर इतने सारे कपड़े थे। तो आज बेडशीट वगैरह भी हम चेंज कर दिए और मतलब कल ही हमको धोना था, तो बारिश इतनी तेज़ हो रही थी ना कि कपड़े कल धो ही नहीं पाए थे। तो कल थोड़े मोड़े से कपड़े धोए थे, बाकी का कपड़ा मतलब रह गया था। कल भी बारिश हुई, रात भर बारिश हुई, आज सुबह तक बारिश हुई है। तो सोचे चलो ऐसे भी बारिश का मौसम है फ्रेंड्स, कभी भी बारिश हो जाती है। तो चलो इस तरह बारिश आते रहेगी ना तो कपड़े पता नहीं कितना इकट्ठे हो जाएंगे। तो सोचे चलो आज बारिश हो या फिर कुछ भी धो देते हैं। पर अभी सुबह ना मतलब कुछ देर बारिश हुई थी, उसके बाद ना अभी थोड़ी मोड़ी मतलब अच्छी मौसम की है। तो देखते हैं कब तक ठीक रहेगी, उसके बाद जल्दी से अगर सुखा लो तो अच्छा है। तो जल्दी से कपड़े को धोते हैं, उसके बाद पहले कपड़े को डाल देंगे बाहर सूखने के लिए, उसके बाद ही दूसरा काम करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि आज ज़्यादा कपड़े हैं और इतना सारा कपड़ा धोना बहुत मुश्किल बात है। लेकिन हम सोचे चलो आज कुछ भी हो जाए, इसीलिए हम इनको जाने दे लिए, उसके बाद ही हम यहाँ ना कपड़े धोने के लिए आए हैं, उसके बाद नहा लेंगे। तो चलिए यहाँ पर आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग पर और वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम पहले कपड़े धोते हैं, उसके बाद नहाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो हमारे लिए एक जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है हम हाउसवाइफ के लिए, घर को मतलब मैनेज करना फ्रेंड्स, कहाँ से हर चीज़ को लेके चलना, घर के हजारों काम को मतलब कहाँ से करना निपटाना सुबह से शाम तक, बहुत ज़्यादा मेहनत वाले काम हो जाती है, शरीर में थकावट सी हो जाती है। लेकिन हमारा काम जो है ना रुकने का नाम ही नहीं लेती, सुबह से शाम तक काम काम, हजारों काम को लेके एक हाउसवाइफ रोज मतलब डेली का रूटीन होता है फ्रेंड्स, सुबह से शाम तक की हमारी रूटीन घर के जिम्मेदारियों के साथ। तो चलिए यहाँ पे कपड़े को डाल दिए सर्फ और चलिए धोते हैं, उसके बाद ही मिलते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड्स, इधर सारे कपड़े को धो लिए और यहाँ पे ना टूल में रख दिए थे ताकि ना सारा पानी निकल जाए, तो थोड़े मोड़े से पानी निकल गए हैं। चलिए अब लेके हम चलते हैं छत पे और हम आ चुके हैं छत पे फ्रेंड्स कपड़े लेके। और अभी तो मौसम लगभग में ठीक है, तो इसीलिए हम सोचे ना कि बाकी का काम बाद में होगा, सबसे पहले हम कपड़े को डाल देते हैं क्योंकि पता नहीं कभी भी बारिश हो जाएगी।
तो फ्रेंड्स इधर सारे कपड़े को डाल दिए सूखने के लिए और यहाँ पे हम क्लिप लगा के सेट कर देते हैं। और अभी ना फ्रेंड्स एक आध दो बूंद ना बारिश होने लगी है, कपड़े तो डाल दिए, पता नहीं जो होगा। उसके बाद हम आ चुके थे रूम और यहाँ पे ना जल्दी जल्दी मतलब बेडशीट को उठा लिए थे और बिछाए नहीं थे, तो वही सोचे पहले अब इसको भी चेंज मतलब लगा देते हैं, उसके बाद ही खाना वाना बनाया जाएगा फ्रेंड्स। तो अभी ना बज चुके हैं 9:30, इतना टाइम हो चुका है अभी का, तो क्योंकि कपड़े मतलब ज़्यादा धोना था ना, तो इसी वजह से थोड़ी लेट भी हो ही जाती है क्योंकि सारा काम हाथ से करना पड़ता है ना फ्रेंड्स, तो दिक्कत तो हो ही जाती है ना, लेकिन करे तो क्या करे, करना पड़ता है, घर का सारे काम को ना मैनेज करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ना चलिए लगा लिए यहाँ पे बेडशीट को और पिलो कवर भी हम यहाँ पे लगा ले रहे हैं और यहाँ सारा काम जो है ना मेरा सुबह वाली लगभग में ख़त्म हो गई है। तो चलिए अब किचन चलते हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग पर और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और जो फ्रेश बार न्यू आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स कुछ देर हुआ था कपड़े सुखाए मतलब डाले हुए बाहर में, और देखिए फिर से वही हाल हो गया मेरा, तो एकदम आज ऐसा लग रहा है ना कि मेहनत सारा मेरा बेकार हो गया। कपड़े तो धो दिए लेकिन कोई काम का नहीं, सारा पानी पानी हो गया। तो उसके बाद ना फ्रेंड्स हम आ चुके थे किचन क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे, तो सोचे चलो अब यहाँ पे बना लेते हैं खाना। इधर हम चावल कढ़ा दिए हैं और हम ना मतलब नहाने के बाद नाश्ता कर लिए थे, और ये भी सुबह अपना नाश्ता करके ही निकले हैं, तो नाश्ता बनाए नहीं थे, नाश्ता के कच्चा चना, तो इधर वो भी चना खा के निकले क्योंकि आज ना हम कपड़े धोने थे ना तो लेट हो गए थे, तो चना वो भी खा के निकले हैं और चना हम भी खा लिए आज सुबह का नाश्ता। और आज ना ये जल्दी निकले 7 बजे क्योंकि इनका आने लगा था फोन इनका पेशेंट का, तो ये निकल गए, तो ये भी जो खाए थे वही हम भी खा लिए नाश्ते में फ्रेंड। उसके बाद तो खाना बन ही रही है अभी, और उसके बाद बीच में कुछ भी खा लो तो चलता है, कोई ज़रूरी नहीं कि सुबह नाश्ता हमें बनाना ही ज़रूरी होता है। तो उधर ना हम चावल चढ़ा दिए, उसके बाद यहाँ पे हम ले रहे हैं सब्जी, तो आलू वाली सब्जी बनेगी और उसके बाद दाल बाद में बनाएंगे क्योंकि हमको बनाना है अभी 2 सब्जियाँ, तो करेला जो थी ना फ्रेंड्स तो देखिए पकने लगा है, तो इसको हम कट कर दिए, और देखिए रख दो ना सब्जी तो ऐसे ही होती है, सब्जियाँ इसी तरह पकने लगती है ख़राब हो जाती है, तो इसीलिए हम बना देंगे। तो 2 सब्जी बनेगी, अभी करेला बनाएंगे और ये जो हम लोग झारखंड में इसको गोदी बोलते हैं, डांग गोदी बोलता है इधर, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, तो इसी तरह इसका मतलब भाषा है हमारे इधर का, तो ये गोदी बनाएंगे, तो बरबट्टी बोलता है फ्रेंड इसको, तो बरबट्टी इसी को बनाएंगे, पता नहीं अलग अलग भाषा है। तो आज ये वाली सब्जी बनेगी और करेला और दाल, तो इधर चावल बन रही है तब तक हम ना यहाँ सब्जी को कट कर लेते हैं, और इसे करेला को हम कट कर लिए हैं, एक पक रही थी तो हम सोचे जल्दी बना दो तो ठीक है, नहीं तो फिर सारा जो है ना बर्बाद हो जाता है, सब्जियाँ इतनी महंगी होती है। बट ये वाली खरीद के मतलब नहीं लाया फ्रेंड्स, ये वाली सारी जो है ना कल जैसे बताया था आप लोगों को कि मेरी मम्मी के यहाँ से आया है सारी सब्जियाँ, तो अभी लगभग में ना जैसे मेरा मायके सामने है तो मम्मी ना भिजवाते रहती है पापा के साथ ही, क्योंकि पापा यहाँ पे मार्केट है ना फ्रेंड्स हिंदू का, तो इसी मार्केट से सारा जो है ना सामान मतलब खरीदारी होता है मेरे मायके का, तो यहाँ से लगभग मेरा मायका 7 किलोमीटर दूर है, तो इसीलिए हम लोग का ना कोई भी चीज़ होता है ना तो मतलब आ ही जाता है, अप डाउन होते ही रहता है इतना नज़दीक है, तो इसीलिए हमको घर की सारी चीज़ें मिलती रहती है सारी सब्जियाँ, और अभी सीजन है तो मम्मी लगवाई है बहुत सारी सब्जी, तो अभी निकल रही है जैसे करेला ये सब हो गया ना, और मकई वगैरह भी लगाई है, तो मकई में टाइम लगेगा अभी, मकई भी नहीं हुआ है, बहुत सारी सब्जियाँ दिखा नहीं पाए आप लोगों को गए थे तो, क्योंकि हम इतना जल्दी नहीं गए कि खुद हम ला भी नहीं पाए थे कुछ वहाँ से, इतना जल्दी जल्दी गए। तो फ्रेंड्स चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, बनाते खाना, और आ जाने वाले हैं मेरे यहाँ पे गेस्ट, तो देखते हैं कितना बजे तक आ रहे हैं, बारिश हो रही है बाहर, कपड़े धो दिए हैं उसके बाद ना बारिश स्टार्ट हो गई, हम सोचे ना भूख पड़ेगी लेकिन नहीं, मेरा मेहनत तो एकदम बर्बाद सा लग रहा है,
कपड़े सूख जाएंगे तभी लगेगा मन में खुशी, ताकि ज्यादा मेहनत कर दिए हैं, कपड़े ज्यादा थे धोए हैं, उसके बाद बारिश हो जाए तो कितना खराब लग रहा है, कहाँ सुखाएंगे, टेंशन में हो जाते कि कहाँ कपड़े को सुखाएंगे, इतना सारा कपड़े घर में जगह नहीं होती है ना फिर कपड़े सुखाने के लिए इतना सारा। तो देखते हैं कब तक धूप निकल रही है। तो फ्रेंड्स इधर करेला भी फ्राई कर लिए हैं और चावल भी बन गई है और एक सब्जी भी तैयार कर लिए हैं, तो मतलब दो सब्जियां और चावल भी हो गए रेडी। उसके बाद ही अभी बना लेंगे हम दाल, तो सोचे थे पहले सब्जी को तैयार करते हैं उसके बाद ही ना दाल चढ़ा देंगे। तो इधर हम ना सब्जी बन चुकी थी, उसके बाद चावल भी बन चुका था और यहाँ पर ना हम दाल भी चढ़ा दिए हैं। तो फ्रेंड्स इधर दाल भी बन चुकी थी और दाल में हम तड़का भी लगा दिए और चलिए जल्दी से खाना निकाल लेते हैं। और ये भी आ चुके थे और क्योंकि अभी बज चुका है एक और इतना टाइम तक ना मेरे हस्बैंड जी आ जाते हैं अपना ड्यूटी से, तो यहाँ पे मेरी दाल चावल और सब्जियाँ हो चुकी थी तैयार। तो यहाँ पर देखिए हम ना खाना भी निकाल लिए हैं। तो फ्रेंड्स खाना हो चुका है तैयार, दाल चावल सब्जी और करेला आलू का भजिया फ्रेंड जिसको भाजी, तो दाल चावल और सब्जी और करेला की करेला आलू का भजिया। तो उसके बाद ना हम यहाँ पर कर ले रहे हैं आम को कट, और ये अभी लेकर आए थे आम, तो फिर इसको कट करते उसके बाद ही खाएंगे। तो यहाँ पे हमारा खाना रेडी हो गया है दोपहर का लंच। और जो हमारा डॉगी है ना हैरी, वो आम का सेंट पा चुका है तो उसको चाहिए, वो ये अभी वहाँ छिटपुटा रहा है। तो चलिए इधर मेरा हो चुका है दोपहर का लंच तैयार, हैरी के लिए भी चाहिए था आम तो उसको भी दे देंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग पर, प्लीज वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इधर हो चुका मेरा दोपहर का लंच तैयार, आम भी कट कर लिए। तो फ्रेंड्स इधर ना इनके आंखों में कीड़ा काट दिए ना, मतलब जो होता है ना छत्ता वाला वही वाली, ये दिखाओ इसमें हम लगा दे रहे इनको आई ड्रॉप फ्रेंड, ताकि थोड़ा आराम मिलेगा, फूल मतलब सूजन सो गया फूल गया। तो फ्रेंड्स अभी इनको हम लगा दे रहे हैं आई ड्रॉप्स, और मतलब खाना उना खाने के बाद ये छत जा रहे थे, तो उसी टाइम ना गली में पता नहीं अचानक कहाँ से उड़ते हुए ना पीला टाइप से होते हैं ना फ्रेंड वही वाली ना, अचानक से इनके आँखों में ना मतलब काट के और फिर पता नहीं कैसे उड़ गया, और मतलब धीरे धीरे ना बहुत ज़्यादा मतलब सूजन होने लगा फूलने लगा इनकी आँख। तो वही सोचे ना कि आई ड्रॉप है तो लगा देते, तो ये बोले ना बहुत जलन देने लगा है, दर्द भी होती है आँख है ना फ्रेंड्स, क्योंकि थोड़ी सी आँख में अगर चोट लग जाए ना तो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब लगने लगती है अगर कुछ घुस जाए तो। यहाँ तो कीड़ा मतलब काट दिए हैं। तो उसके बाद ना ये वाली वीडियो है फ्रेंड मेरी शाम की, तो शाम के 6 बजे के आसपास, तो कपड़े तो सूखे नहीं हैं फिर, हमको लग रहा है कल फिर से निकालना पड़ेगा, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि कपड़े डाले थे सूखने और बारिश हो गई थी बहुत तेज़, तो कपड़े मतलब फिर से थोड़े मोड़े सूखे हैं, तो अभी फिर हमको लग रहा है कल निकालना पड़ेगा, अच्छे से नहीं सूखे हैं। तो चलिए पहले कपड़े को अब उठा लेते हैं, शाम भी हो गई है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर ना हम सारे कपड़े को उठा लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को फिलहाल हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।